तो बारिश के इस मौसम में चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाने की रेसिपी काफी ज्यादा आसान होती है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले एक मिक्सर का जार लेकर उसके अंदर ऐड करनी है 5 से 8 ग्रीन चिल्ली, 6 से 7 लहसुन और 3 से 4 अदरक के पीस। अदरक के पीस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से दरदरा पीस लेना है और दरदरा ही पीसना है इसको, पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। अब एक पैन लेकर उसके अंदर ऐड करना है 1 से 2 चम्मच ऑयल और फिर इसके अंदर ऐड करनी है राई के दाने 1/2 चम्मच, फिर इसके अंदर ऐड करना है हमारा मिर्च वाला पेस्ट और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में इसके अंदर ऐड करना है 1 पिंच ऑफ हींग और 1 चम्मच कसूरी मेथी, फिर इसके अंदर ऐड करने हैं 3 से 4 बॉइल्ड स्मैश पोटैटो। पोटैटो ऐड करने के बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर ऐड करना है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी इसके अंदर ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद हमें इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर धनिया की कुछ पत्तियां ऐड कर देनी है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद एक और पैन लेकर उसके अंदर ऐड करने हैं 1 कप ऑफ पीनट्स। अब इन सभी के पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए, मीडियम आंच पे इनको पकाना है जिससे जल्दी ज्यादा गलेंगे नहीं, और इनको इसी तरह से पका लेना है। मिक्सर का जार लेकर इसके अंदर ऐड करने हैं 50 ग्राम नारियल, 10 से 15 लहसुन के पीस और साथ ही साथ रोस्ट किए हुए वो पीनट्स भी इसके साथ ऐड कर देने हैं। इसके अंदर जाएगी हमारी कश्मीरी लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच और इसको ऐड करने के बाद इन सभी सामग्री को अच्छे से पीसने के बाद दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है इस तरह। अब एक बोल लेकर उसके अंदर ऐड करना है 3 कप ऑफ बेसन, फिर इसके अंदर ऐड करना है पानी और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी एक थिक स्लरी तैयार कर लेनी है। और अब इसके अंदर ऐड करना है 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार इसके अंदर हमें नमक ऐड करना है। अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने आलू का भरता तैयार किया था उसको अपने हाथों में लेने के बाद उसका बटाटा वड़ा हमें तैयार कर लेना है। लगभग इस तरह से आपको भी बटाटा वड़ा तैयार कर लेना है और इसी तरह से सारे बटाटे वड़े हमें तैयार कर लेने। तैयार करने के बाद हमें एक पैन लेकर उसके अंदर तेल गर्म करना है और 6 से 7 हरी मिर्च को बीच में से काट कर फ्राई कर लेना है, क्योंकि वो वड़े के अंदर लगेंगी और बाद में हमारे काम आएंगी। अब हमें एक बटाटा वड़ा उठाना है और बेसन के अंदर अच्छे से डिप करने के बाद बेसन को अच्छे से कोट कर लेना है। अब जिस पैन के अंदर तेल गर्म किया था उसी पैन के अंदर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है लगभग 3 से 5 मिनट के लिए, और दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से फ्राई कर लेना है 3 से 5 मिनट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और हमारे वड़े हो चुके हैं रेडी, अब हमें लेने हैं वड़ा पाव के बंस, और बंस को इस तरह से आपको पैकेट में से निकालने के बाद इस तरह से कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसके अंदर ऐड करनी है हमारी ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली की चटनी हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करना है अपना वड़ा। और अब इसके अंदर ऐड करना है हमारी ड्राई रेड चटनी। चटनी ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऐड करनी है हमें ग्रीन चिल्ली और इसको क्लोज कर देना, तो तैयार हो जाएगा आपका गर्मा गर्म बटाटा वड़ा। खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट था, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।